कांग्रेस से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से उमेदवार राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वे आज पहली बार संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत के लिए बड़े सभी कांग्रेस के नेता है वो पहुंचे हैं और एक तस्वीर ऐसी पेश की जा रही है कि कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में एकजुट है और एक पूरी की पूरी टीम है। यहाँ पर आज हेमाराम चौधरी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंची और हेमाराम जी मेरे साथ है, उनसे जानेंगे पूरा किस तरीके से सर बड़ा मास्टर स्ट्रोक आरएलपी के मजबूत नेता को आपके साथ लाए और टिकट भी दिलवा दिया आपने। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने उमेदवाराम जी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई और उसके बाद में इनको टिकट दिया है, तो कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं और आरएलपी के जो है कार्यकर्ता वगैरह थे वो भी सब इनके साथ है। इस तरह से हमारा उम्मीदवार जो है वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है और इस बार के इस लोकसभा के चुनाव में ये हमारे उम्मीदवार यहाँ से विजयी होकर के जाएंगे। सर किस तरीके से रणनीति रहेगी क्योंकि अब चुनावी मैदान जंग तो शुरू हो चुकी है, दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं और किस तरीके से रणनीति रहेगी पूरे चुनाव को लेकर? रणनीति ये कोई पहला चुनाव तो है नहीं, पहला चुनाव मैंने 1980 में लड़ा, इसलिए खूब चुनाव मैंने खुद ने लड़े भी, तो जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, उसमें पार्टी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, उसी प्रकार से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और आज ही कल ही शाम को ये प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आज उनका यहाँ आना आगमन है और इसके बाद में दो दिन होली के हैं, उसके बाद में सब पूरी तरह से रणनीति बना ली जाएगी और 8वां विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाएगी कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता इस काम को संभालेंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ये सीट हम निकाल पाएंगे। सर आपका मार्गदर्शन और युवाओं का साथ दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इन चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, उम्मीदवार भी हमारा युवा है, 46 साल का है, युवा ही है, तो युवाओं में तो जोश है ही और हम लोग जो है साथ में है ही पार्टी के लिए, मैं तो हमेशा पार्टी के लिए ही काम किया, पहले भी अब भी आगे भी करते रहेंगे, बाकी खास काम है वो युवाओं का, तो युवा पूरी तरह से तैयार है। किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों को लेकर चुनाव में जनता को जनता से मुखातिब हुआ जाएगा या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? स्थानीय मुद्दे और मोदी सरकार सब है, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का देखा, इस प्रकार का ऐसा स्कीम कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, कितने हजार करोड़ इन्होंने किस प्रकार से कैसे पहले ईडी के छापे डाले और उसके बाद में उनसे किस प्रकार से संदा वसूली हुई, ये तो अब उजागर हो गया जग जाए, इसलिए अब आम आदमी को गांव में बैठा ढाणी में बैठा आदमी उसको ही पता लग गया कि मौजूदा जो सरकार है वो तो लोट खसोट के अलावा कुछ कर नहीं रही है, पूंजीपतियों को मदद कर रही है, बैंकों में जो पूंजीपतियों का पैसा बैंकों से लिया वो माफ़ कर रही है, किसान का कर्जा माफ नहीं कर रही है, किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही, फसल बीमा है तो उसका भी क्लेम है किसानों को दे नहीं रही है, इंश्योरेंस कंपनियों की मदद कर रही है, प्रीमियम किसान जो जमा कराते हैं वो भी ये हड़प कर जाती हैं बीमा कंपनियां, तो इसलिए कोई सुनवाई है ही नहीं, जब कोई सुनवाई नहीं है जनता त्रस्त हो चुकी है और जब जनता त्रस्त हो जाती है तो जनता फिर परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के हिसाब से इस बार यहाँ से कांग्रेस को। सर मानवेंद्र सिंह जी का आज एक ट्वीट है काफी चर्चाओं में है, उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए जिन नेताओं को निष्कासित किया था उनको बहुत जल्दी वापस पार्टी में भी शामिल कर लिया। ये तो मानवेंद्र सिंह जी का ट्वीट क्या मैंने देखा नहीं, वो ही बता सकते हैं उन्होंने क्यों ट्वीट किया, क्या ट्वीट है मेरे को मालूम नहीं, बाकी निष्कासित होते हैं तो वापस पार्टी में लेते हैं, ये तो कांग्रेस क्या बीजेपी भी लेती है, हर कोई पार्टी कोई हमारा कार्यकर्ता कोई कारणवश से इधर उधर हो गया तो उसको वापस परिवार में हम शामिल करते हैं, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनको शामिल करना गलत है ऐसा कुछ नहीं, पर वो भी पार्टी ने किया, पार्टी कोई भी अगर निर्णय कर लेती है तो उस निर्णय को कार्यकर्ता मानते हैं, हमारे यहाँ ये पार्टी के रीति नीति रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, ये कहना है वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।